रोटी से भी मोटी मलाई कैसे जमाई कैसे जमाई। तो देखिए, आप पूछोगे कि रोटी से मोटी मलाई कैसे जम सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रोटी है, रोटी से मोटी मलाई आज हम आपको इस दूध से जमा के दिखाएंगे कि कैसे बनती है। इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हो। हमने यहाँ पर 1 किलो दूध लिया है, और आपने क्या करना है, 1 किलो दूध लेके, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो इसको गैस को ऑन कर लेना है। गैस को ऑन करने के बाद आपने इस दूध को इस बाउल में धीरे धीरे डाल देना है। ये एक गिलास, दूसरा गिलास। आपकी कितनी मोटी मलाई जमती है, आपके घर में दूध होता होगा, आप भी हर रोज़ उसे गर्म करके रखते होगे, यूज़ करते होगे, तो कितनी पतली सी मलाई जमती होगी। तो आज मैं आपको इस रोटी से भी मोटी मलाई जमा के दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लास्ट में आपको, इन कंपैरिजन करके इस रोटी से कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इसको भी मैंने दूध को डाल दिया इसमें। ये हमने 1 किलो दूध लिया है, और इसको थोड़ा बाउल होने देना है। ये फ्लेम को ऑन कर दिया है, गैस को ऑन कर देना है, और इसको धीरे धीरे गर्म होने देना है, क्योंकि जो इससे मलाई आती है दूध से, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार में सभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। उसे आप खाने में प्रयोग कर सकते हो। उससे दूसरी बड़ी बात, आप शुद्ध देसी घी घर में 1 हफ्ते में आप इतनी मलाई इकट्ठा कर लोगे इस तरीके से कि आपके कभी देसी घी को मोल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा डेमो के साथ। ये देखिए, हमारा दूध गर्म हो रहा है। आपने करना क्या है, जैसे हर रोज़ 6 दिन मलाई को इकट्ठा करना है, और 7वें दिन उसको ब्लो के बलोनी में, और लस्सी अलग निकाल लेनी है, उससे मक्खन अलग निकाल के एक बाउल में डाल के उसके गर्म करके उससे 1 किलो घी निकाल लेना है। तो ये कैसे निकलेगा और हमारी मलाई कैसे जमेगी, ये देखिए, ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का सा ये झाग दिखाई दे रहे होंगे साइडों में। इसको खुले बर्तन में उबालें, ताकि इसमें जो झाग बनेगा वो हमारा पहला स्टेप होगा मलाई को तैयार करने का। और दूसरा बड़ा स्टेप है, जो वो इस स्टेप के बाद आने वाला है, वो देखने की और समझने की चीज़ है। तो देखिए, ये बाउल हो रहा है, जब तक मैं आपको क्या क्या लेना है वो सामान बता देता हूँ। 1 चम्मच लेना है आपने, 1 ये कोंचा बोलते हैं, खुरचन, जो जिससे उतारते हैं मलाई वगैरह, और 1 चक्कू भी ले लेना है। तो इसको उतारना कैसे है वो भी दिखाऊंगा। और ये रोटी रखी है, और ये देखिए, ये धीरे धीरे बॉयल होने लग गया है, ये गर्म हो रहा है। इसको उबलने दे, झाग आने दे। ये झाग आएंगे जैसे जैसे, ये देखिए, ये मलाई का रूप धारण करते जाएंगे। पहला स्टेप है ये हमारा। दूसरा स्टेप जो बहुत ही शानदार है, ये देखिए, ये झाग आ रहे हैं जैसे जैसे, इसको बॉयल होने दे। ये बॉयल होएगा तो आपकी रोटी से भी मोटी मलाई तैयार कर देगा। और दूसरा जो फाइनल तरीका इसमें ऐड ऑन करना है, वो क्या है, वो सबसे ज़रूरी जानना ज़रूरी है। ये देखिए, वैसे जब झाग आ जाएंगे इसके अंदर, तो इसको आपने झाग समेत इसको गैस को बंद कर देना है नीचे से, और ये देखिए, इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है, ऊपर पंखा चला देना है ताकि इसको पूरी हवा लग पाए। और अगला स्टेप आपने क्या करना है, ये देखिए, मैंने पहले से ही आप के लिए डेमो दिखाने के लिए तैयार करके रखा है। 1 बाउल में मैंने ये उबाला था दूध को, और इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले से तैयार करके रखी है। ये देखिए, कितनी मोटी मोटी मलाई जमा के रखी है मैंने, रोटी से भी मोटी। इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको, आप समझ जाओगे सच में ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए, किनारों से उतर रही है, तो कितना शानदार लुक आ रहा है इसका। ये उतार देंगे इसे हम पूरी को, धीरे धीरे ऐसे उतार लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये कोंचा मैंने दिखाया था इसके लिए, यूज़ के लिए, ये रोटी रखी है, ये कोंचा है, और ये चम्मच है, इसको हम अब निकाल लेंगे ऐसे।
पूरी मलाई को निकाल देंगे। सच में ये रोटी से भी मोटी, ये देखिए कितनी मोटी मलाई आ गई, ये देख लीजिए। ये चम्मच लिया था इसीलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसका कंपैरिजन, ये देखिए। और ये रोटी है और ये मलाई है और इनका कंपैरिजन आप देख लीजिए। ये देखिए रोटी से भी मोटी मलाई आपके सामने तैयार हो चुकी है। आप इसको घर में आसानी से तैयार कर सकते हो और एक हफ्ते में 1 किलो घी घर में तैयार कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। कभी आपको घी को मोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्ध देसी घी घर में तैयार करें, वो भी अगला वीडियो हम लेके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस जानकारी को, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके और आप लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, आपके घर में शुद्ध देसी घी तैयार हो सके। दोस्तों जानकारी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।